अभी सुबह कहीं बाहर जा रहा था, एक बच्चा मैंने देखा स्कूल ड्रेस में। अच्छा मैंने स्कूल जा रहे हो? कहता आप स्कूल ड्रेस पहन के तेल लेने जाते थे। बच्चे मतलब इतने अफलातून हो गए भाजी। वो जमाना और था आज से 20-30 साल पहले, जब लोगों घर में बच्चे पैदा हुए करते थे। आजकल लोगों घरों में बाप पैदा हो रहे भाजी। भाजी एक कहावत बनी हुई है, कहते कोई भी बच्चा माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता। पर मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आजकल के बच्चे जो है मोबाइल के बारे में तो माँ के पेट से सीख के आते हैं। 10 साल हो गए मुझे मोबाइल यूज करते हुए, आज तक मुझे नहीं पता चला कैलकुलेटर कहाँ होता है। लेकिन आजकल के बच्चे इतने शातिर हैं, आप कैलकुलेटर दे दो कुछ ना कुछ करके उसमें से भी फोन लगा ही लेंगे। इतने शातिर हो गए हैं। जमाना कितना बदल गया बाजी। आप देखिए पहले इंडोर गेम्स होती नहीं थी ना, हम लोग मिट्टी में खेलते थे और इन्फेक्शन भी नहीं होती थी हमें। आजकल के बच्चे माइंड बाहर बारिश हो जाएगा। हम लोग मिट्टी में खेल खेल के सारा दिन खेलते रहना मिट्टी में। माँ आती थी मोहल्ले के 10 बच्चे नहला के उसमें से अपना एक पहचान के लेके जाती थी। और हमें इन्फेक्शन भी नहीं होती थी, उल्टा जब कभी कभी हम लोग नहा लेते तब हमारी तबीयत खराब हो जाती थी साफ सुथरे रहने से। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है भाजी, बच्चा चाहे हिंदुस्तानी का हो, बच्चा चाहे अंग्रेज का हो, हाँ। आप उसकी मर्जी की चीज नहीं लेके दोगे, लेटेगा जमीन पे ही वो। अंग्रेज के बच्चे जो होते ना वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं थोड़े। जिद भी इंग्लिश में करते हैं हमारे बच्चे। ले, ले, ले। ये नहीं बोलते अंग्रेजों के बच्चे, मामा आई वांट दिस, पापा आई वांट दिस। माँ भी इंग्लिश में डांटती, डोंट बीट हिम, जस्ट सिट देयर, पापा विल बीट यू, नॉटी बॉय। माँ बच्चा लड़ रहे हैं ना तो लगते नहीं लड़ाई हो रही है, ऐसा लगता है कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्ले की। क्यूट से हाँ, इसी चक्कर में इंग्लिश सीख जाते हैं उनके बच्चे। देखो आप पैदा होते इंग्लिश बोल रहे हैं, हमारे बीए करने के बाद ये है जी। आप एक चीज और देखी होगी, बाहर विदेश में आप अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, इंडिया में इसका उल्टा है। जब तक बच्चा अपने बाप से 2-4 बार मार नहीं खा लेता उसको यकीन नहीं होता ये बाप मेरा है। अंग्रेजों का आप देख लो, अंग्रेजों का सारा कल्चर ही बेसिकली उल्टा है। आप उनको देख लो, धूप सेक रहे होंगे ना गोवा में आके, तब भी उल्टे लेट के। अच्छा इनकी लड़कियां 2 छोटे-छोटे कपड़े पहन के ना हाथ में किताब पढ़ रही होती। मेरे को एक चीज की समझ नहीं आती कि पूरे कपड़े पहन के क्या चैप्टर याद नहीं होता इनको। और पाजी कई बार क्या होता है, हम लोग बाहर कभी जाते हैं ना शोज के लिए, बच्चों की माएं आती हैं, छोटे छोटे बच्चों की मिलना खुद होता है, बहाना बच्चे के ऊपर लगाती है। मेरा बेबी आपका बड़ा फैन है। छोटा सा बच्चा 2 साल का, उसको पता पता ही नहीं, सुरती नहीं, कुछ पता नहीं, वो बेइज्जती करा दी मेरे पे जाना अंकल को। बच्चा यूं देख रहा है। बेटी अंकल, बेटी बाबा जी का ठुल्लू। बच्चा यूं देख रहा है। एक्चुअली ना अभी नींद में है ना, तो इसलिए पे चांद नहीं रानी, तो सारा दिन यही बोलता रहता है अंकल जो मधुबाला में आते हैं, मधुबाला में का मधुबाला में कौन आता है। किसमें आते हैं आप? कॉमेडी नाइट। एक तो इतनी प्रोग्राम आ गए ना, पता नहीं चलता क्या क्या उसने। एनीवेज फोटो खिंचवानी थी एक बच्चे ने, कब से जिद कर रहा था। मैं कहा हाँ जी हाँ जी आइए। बच्चे को मोबाइल दे दी, बेटा फोटो खींच आ जा। उल्टा। और कई फैन तो अजीब अजीब होते हैं भाजी, कई लोग जिद भी करते हैं सारी, थोड़ा कंधे में हाथ रख लीजिए। हम लोग कंधे पे हाथ रखते हैं, अपने हाथ जेब में डाल के इधर मुंह कर लेते हैं। ऐसे हम उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसा अजीब अजीब होता है कई की बात। शर्मा जी क्या है? आपकी दादी ने परेशान कर दिया मुझे, जब देखो बच्चा मांगती रहती है। दादी का दिमाग खराब हो गया, और जो फैमिली दहेज में स्कूटर नहीं दे पाई, बच्चा कहां से देगी वो? Shut up! एक तो मैं आपके पास दादी की शिकायत करने आई, ऊपर से आप मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। मैं नहीं रह सकती इस घर में, मैं जा रही हूँ मायके। रुको, बच्चा मांगती रहती है। मायके का नाम लिया, लाइन पे आ गए। लाइन पे नहीं आया, माइका इधर है, चल। फिर से मजाक। आप आखिरी बार सीरियस कब हुए थे? अभी 2 मिनट पहले जब मैं तेरे को बोला माइका इधर है, मैं सीरियस था ना। उधर दादी मुझे दुखी किए जा रहे, आप परेशान किए जा रहे पाजी। बाय गॉड तभी कभी मन करता है कि कुछ खा के अपनी जान ही दे दूं। ला मरना भी तो ब्रेकफास्ट करके है। अरे खाली पेट जा, सफर लंबा है, जी मचलाएगा नहीं। और उधर जाएगी ना, बड़ा कुछ मिलेगा खाने को, भगवान का घर तेरे बाप का घर नहीं, जो भूखा मारेगा। पापा के बारे में मत बोलो, पापा के बारे में मत बोलो, जा रही हूं मैं। ए क्या है? ध्यान से जाना, देखना कि नीचे वाला होट ऊपर वाले होट के नीचे ना आ जाए। ये है पति,
मतलब ये एक मौका नहीं छोड़ता पाजी अपनी बीवी की इंसल्ट करने का। कभी तो प्यार करके देखो, बीवी हूँ तुम्हारी। बीवी तो ठीक है, डिमांड भी तो सही सी कह रहा हूँ। रात को मेरे को बोलती मेरे को स्वीटी बोला करो। बीवी का नाम भी कभी स्वीटी होता है? स्वीटी होता है गर्लफ्रेंड का नाम। बीवी कमला बिमला टाइप ही ठीक है, और तेरा तो फिर भी मंजू है। अभी क्या बोला गया तेरे को दादी ने? बच्चे का भूत सवार हो गया दादी पे, जब देखो मेरे कमरे में कच्चे आम लेके आ जाती है, कहती है बहू कुछ कच्चा खाने का मन कर रहा है, ये ले आम खा ले। सुबह से बोल बोल के 3 किलो कच्चे आम खा चुकी हूँ मैं तुम्हारी दादी की वजह से। भगवान का शुक्र किया, अगर पक्के बेर जैसा तेरा मुंह तेरे को कच्चे आम खाने को मिल रहे तेरे को और क्या चाहिए। लेकिन तुम्हारी दादी को कौन समझाएगा कि कच्चे आम खाने से कुछ नहीं होता है? अरे क्यों नहीं होता है कच्चे आम खाने से? आधा किलो तेल भी मसाला पी के कपाल बांधी कर अचार बन जाएगा। क्या देख रही हो? तुम लोग यहाँ खड़े हो तो क्या हुआ? नहीं मतलब वहाँ भी तो खड़े रह सकते हो ना। अच्छा मतलब की बात सुनो। क्या है? मुझे परदादी कब बना रहे हो? तुम्हें पता है मैंने तो परदादी बनने की खुशी में मंत्र भी याद कर लिया है। क्या? मुझे बनना है परदादी, बच्चा हो या बच्ची। ये क्या दादी कविता नहीं बनी तो ये कौन सा बाप बन गया? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए, मुर्गी का अंडा चाहिए तेरे को, 6 रुपए देकर ले आए। 6 रुपए देके मिलता तो भी तुम्हारे लिए मुश्किल होता, भूखे नंगे कहीं के। मैं कुछ नहीं जानती, मैं परदादी बनना चाहती, हे भगवान मरने से पहले मुझे परदादी बना दे। खबरदार खबरदार, आप परदादी बनी तो है सिद्धू जी। हाँ? ये परदादी बनेगी तो मैं दादी बन जाऊंगी। अब देखो शादी लड़कियों की होती है, दादी की नहीं होती, दादी को तो सिर्फ कब्ज होती है। सुनिए मम्मी जी, अगर आपको बच्चा चाहिए ना हाँ? तो मैं दे दूंगी। हाँ? तेरा दिमाग खराब है, शादी तेरी हुई नहीं, बच्चा के ब्लूटूथ से डाउनलोड करेगी तू? पागल हो गई? ब्लूटूथ से भी डाउनलोड करती अगर फुफा नाम का कोई मोबाइल होता। और ये मम्मी जी का क्या, इनको तो अपने ऊपर सुसु कराने के लिए बच्चा चाहिए। तेरा दिमाग खराब है, अच्छी बड़ी दादी को पब्लिक टॉयलेट बना रही तू? कान खोल के सुन ले बिट्टू, पोता हो या पोती, जिस किसी ने भी मुझ पर सुसु किया ना, 1 रुपए तो मुझे लेने ही लेने। हाँ, रिश्तेदारी एक तरफ, धंधा एक तरफ, है कि नहीं? अब तू मुझे बता, तू मुझे दादी बनाता है या? दादी इस वक्त मैं बड़े गुस्से में हूँ, पूरा मोहल्ला जानता है, जब मुझे गुस्सा आता है मेरे को मार पड़ती है। दबा जा तू अंदर। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, चल बहू चल, उदास मत हो, अब तो सिर्फ बाबा चाटेश्वरी तेरा भला कर सकते हैं। चल चल। नहीं नहीं नहीं। अरे आम खाई गुटली कौन खाएगा तेरा बाप? चल 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 चल। बाबा पिंटू बाबा, ये तुझे पापा कह रहे, तूने इतनी मोटी बात मुझसे छुपाई? ये झूठ बोल रहा है, ये छुपाने वाली चीज है? ये तो इतना बड़ा, इसके पीछे खड़े होकर 4 आदमी कपड़े बदल सकते हैं। वाह 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 पापा वाह, 100 हिट क्या हो गया, अपने बच्चे को ही भूल गए आप। चीटर। पापा मैं हूँ, मैं आपका बच्चा, मैं इत्तू सन ऑफ बिट्टू, ग्रैंडसन ऑफ शिट्टू। मुझे लगता तेरा ही बच्चा है ये। पापा पापा आप घोड़ा बनो ना, मुझे घोड़े पे बैठना है। ये घोड़े पीछे पीछे घोड़े बनो ना पापा, घोड़े बनो। अबे तेरे को शर्म नहीं आती हाथियों के घोड़े बैठता है? छी गंदे पापा, दादी बुआ मुझे अपनी गोद में उठाओ ना। फेटे मुफ तेरे, अभी तो मेरी गोद भरी नहीं, तू मेरी गोद तोड़ने के लिए पहले आ गया। ए, चल बहुत हो गया, चल निकल इधर से, कोई तेरा पापा पोपा नहीं है यहाँ पे, चल। अभी मेरे पापा हो, देखो यहाँ मेरे कोई निशान नहीं है, आपके भी कोई निशान नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप ही मेरे पापा हो? ये क्या सुन रही हूँ मैं, आपका बाहर चक्कर चल रहा है, आपने बाहर रिलेशन बनाया, आप इसके पापा ही आपका बेटा है। नहीं है मेरा भैया, नहीं आपको पापा।
क्यों कह रहे हैं? ओए, तेरे पास क्या सबूत है कि यही तेरा पापा है? आपके पास क्या सबूत है कि आप 22 इयर्स की हो? बिट्टू, मुझे तो ये तेरी प्रोडक्शन लगती है। एक मिनट, मैं साबित कर देता हूँ। एक बात बताइए, एक साल पहले 2 दिसंबर 2012 को आप कहाँ थे? हाँ बता। मुझे क्या पता, एक साल पहले का चल निकल गया। वही तो, एक साल पहले का याद नहीं तो 10 साल पहले का आपको कैसे याद होगा? कहाँ कहाँ होके आए थे? लाओ जी, साबित हो गया कि ये इसी का बच्चा। ए बुआ, तेरा दिमाग खराब हो गया? मेरी अपनी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ी है और तू ये मॉल खड़ा करने का इल्जाम मेरे पे लगा रही है। एक मिनट, ओ, 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 ओ मुझे गोलमाल बोलने वाली, जरा अपने होठों पे ध्यान दे, देख तेरा नीचे का होठ तेरे ऊपर के होठ के नीचे ना आ जाए। ये तुम्हारा बेटा है, इसने तुम्हारी जुबान बोली, इसने भी मेरे होठों के बारे में कुछ कहा। सारी दुनिया तेरे होठों के बारे में कहती है, इसका मतलब सबका बाप मैं हूँ।